2024 की चुनावी डगर पर नीतीश कुमार आज से बजाबता चल पड़े। वे आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां पर 3 दिन रहेंगे। इन 3 दिनों में वे नरेंद्र मोदी के कई बड़े बड़े विरोधियों से मिलेंगे। सबों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करेंगे। उन्हें बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का फॉर्मूला बताएंगे। आगे इसके लिए किस तरह से सियासी बैटिंग करनी है, इस पर भी मंथन करेंगे। देखा जाए तो 2024 की डगर बहुत आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए। सभी विरोधियों को एकजुट करने का मतलब तराजू पर मेढकों को तौलना है। इसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं। हालांकि इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं दिल्ली टूर और नीतीश कुमार के कद की। यह सच है कि आज की सियासत में नीतीश कुमार का कद काफी बड़ा ही नहीं बल्कि काफी प्रभावशाली भी है। इनके मजबूत कद के बराबर शायद ही कोई हो। नीतीश कुमार का ये कद एक दिन का नहीं है। इस कद में समाजवाद, दोस्ती, भाईचारा, सोशल इंजीनियर, विल पावर, हर चीज का समावेश है। तभी तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि नीतीश बाबू जैसा कोई समाजवादी नहीं है। इनका कोई परिवार है। लोहिया के बाद नीतीश बाबू ही अब समाजवादी नेताओं में बचे हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे थे और उनके कसीदे पढ़ रहे थे, उस समय सपने में भी वे कल्पना नहीं किए थे कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ देंगे और 2024 के लिए वे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। जबकि अमित शाह भी पुराने दिनों में नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा कर चुके हैं और बिहार में बड़े कद और सियासी ताकत वाले मान चुके हैं। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आज की डेट में नीतीश कुमार जैसा कद वाला नेता शायद ही कोई हो जो नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर दे सके। सोनिया गांधी हो, शरद पवार हो, उमर अब्दुल्ला हो, शरद यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर चंद्रशेखर राव हो अथवा मायावती ही क्यों ना हो या फिर दिल्ली लेफ्ट पार्टी के नेता हो, वे नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देकर देख लिए हैं। इसमें ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में काफी सफल रही और बीजेपी को धूल चटा दी। बाकी नेता बीजेपी से सीधी फाइट करके देख चुके हैं। यदि बीजेपी को शुरू से यदि किसी ने टक्कर दी है तो वे हैं लालू यादव। और आज की डेट में लालू यादव नीतीश कुमार के साथ है और यही वजह रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए तो वे इसके पहले रावरी आवास पहुंचे और लालू यादव से बड़ी आत्मीयता से मिले। कहा जाता है कि लालू यादव ने उन्हें विजय भवन का आशीर्वाद भी दिया। मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। लालू यादव और रावरी देवी के चेहरों पर मुस्कान देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे नीतीश कुमार के साथ कितने दिल से हैं। हालांकि जदयू ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार अभी प्रधानमंत्री पद के न तो दावेदार हैं और न ही इसके लिए वे कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी की पहली कोशिश यही है कि किसी तरह विपक्षियों के बीच एकता हो और 2014 की तरह 2024 में वोट प्रसाद की तरह नहीं बटे। नीतीश कुमार का दिल्ली मिशन का पहला मकसद भी यही है। नीतीश कुमार की केसीआर से पटना में मुलाकात हो चुकी है जबकि आज शाम वे दिल्ली में राहुल गांधी से भी मिल लिए। इसके अलावा वे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। यहां तक कि 7 सितंबर को नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखर से भी मिलेंगे। दिल्ली मिशन में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने कमर कस ली है तो कस ली है। अब लोग उन्हें इसके लिए कुछ भी बोले लेकिन इतना तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं, क्षेत्रीय दल होते हुए भी जदयू ने जितना व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से नीतीश को केंद्र की राजनीति के लिए आगे बढ़ाया है उतना किसी दल ने नहीं किया है। और जितना साइंटिफिक तरीके से जदयू आगे बढ़ रहा है उतना ही बीजेपी टेंशन में आ रही है और ये राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के बयान से भी पता चलता है। लेकिन इतना तो है कि काफी लंबे वक्त के बाद बिहार नेशनल पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया है। नीतीश कुमार जहां देश के तमाम विरोधियों नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं, वहीं इसी माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। इसके पहले जुलाई की 30 और 31 तारीख को बीजेपी ने बिहार में अपनी ताकत दिखाई थी।
तब 30 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे, जबकि 31 जुलाई को अमित शाह ने मोर्चा संभाला था। कहा तो ये भी जा रहा है कि उस दिन और भी बड़ा खेला होता, लेकिन इससे पहले ही जदयू ने आरसीपी सिंह का काम लगा दिया, जिससे बिहार में ऑपरेशन लोटस फेल कर गया। कल तो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने भी कह दिया कि बीजेपी ने बिहार में एकनाथ शिंदे और चिराग मॉडल लाने की हर साजिश रची, लेकिन नीतीश कुमार के आगे एक भी नहीं चली। बता दें कि सबसे पहले लाइव सीरीज ने ही अपने स्टोरी में कहा था कि बिहार में एकनाथ शिंदे ढूंढ रही है बीजेपी। बहरहाल दिल्ली फतह के लिए अपने मिशन पर नीतीश कुमार निकल पड़े हैं। इस डगर में पड़ने वाली हर बाधा को दूर करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली दौरे पर उनके साथ ललन सिंह, संजय झा व अशोक चौधरी भी साथ में है। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि नीतीश कुमार की डगर इतना आसान नहीं है जितना अभी समझा जा रहा है। दरअसल विरोधियों को एकजुट करना तराजू पर मेढक तौलने के बराबर है, क्योंकि हर राज्य में विरोधी आपस में ही लड़ रहे हैं। यदि राज्यों पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कई क्षेत्रीय दल अरसे से मोर्चा खोलने की मंशा तो रखते आ रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने एजेंडे हैं। तेलंगाना में केसीआर के रास्ते में कांग्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है, तो बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को वाम दलों के साथ कांग्रेस से भी बराबर की दुश्मनी मजबूरी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती की कटुता सबके सामने है। पंजाब और गुजरात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सिर्फ बीजेपी ही नहीं कांग्रेस से भी कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल होने के बाद शिवसेना और एनसीपी को मजबूत दोस्त की जरूरत है। इन सब के बावजूद सभी दलों को एकजुट करने में बिहार बड़ा उदाहरण बन सकता है, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां दो धुर विरोधी रहे लालू यादव और नीतीश कुमार आज एक मंच पर है, और इसमें तेजस्वी यादव की भी अहम भूमिका है। ऐसे में अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी अब कौन सी रणनीति अपनाती है। वहीं नीतीश कुमार ने इतना जरूर कहा है कि आने वाले 2 साल तक विरोधियों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।